हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एवरेज टॉपिक पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। गाइस, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एवरेज होती है वो बराबर होती है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इसी तरह ही एक और फार्मूला, अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि कंजिक्यूटिव नंबर हो, कंडीशन यह है कि कंजिक्यूटिव नंबर होंगे तो फार्मूला सिंप्लीफाइड फार्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू। एग्जांपल लेते हैं, अगर 1, 2, 3, 4, 5 इनकी अगर एवरेज निकालनी है तो हमें क्या करना है, पहली टर्म लेनी है 1 और लास्ट टर्म है 5, डिवाइड कर देना 2 से। सो इसकी एवरेज है 3। सो मिडिल टर्म हम जानते हैं कि मिडिल टर्म की एवरेज होती है, सो 3 इज द एवरेज। सो ये मैंने कुछ जो रह गया था वो डिस्कस करना था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह रहेगा, मतलब कि जो पिछले एग्जाम्स में जो हम रेगुलरली हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो रिपीट में भी होते हैं, वो करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे अगर हमारे पास, वन सेकंड गाइस, पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने नोट डाउन किए हैं, सो उनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर द एवरेज ऑफ 20 आइटम्स इज 47, लेटर इट वाज फाउंड दैट द आइटम्स आइटम 62 इज रॉन्गली रिटन एज 26। क्वेश्चन गाइस ऐसा है, पहला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 20 आइटम्स इज 47, 20 आइटम्स की जो एवरेज है वो दिया हमें 47। बाद में पता लगा, लेटर इट वाज फाउंड दैट द आइटम 62 इज रिटन एज 26। आइटम 62 इज रिटन एज 26। फाइंड द करेक्ट एवरेज, फाइंड करेक्ट एवरेज। एवरेज या मीन ये एक ही चीज़ होती है, एवरेज एवरेज बोलो या मीन बोलो, ये एक ही चीज़ है। सो गाइज, इसका जो आंसर होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, हमें एवरेज दी है 47, लेकिन पता लगा कि जो 62 है वो 26, 62 को हमने 26 लिख दिया। एक कोई आइटम है उसकी जो फिगर है वो थोड़ी उल्टी हो गई है। सो इसमें हम क्या करेंगे कि 62 जो है उससे हम माइनस कर लेंगे 26 को, मतलब कितनी कम हमने लिखी है वो हम देख लेंगे। थर्टी सिक्स जो है वो 20 में डिवाइड होगा। सो हम क्या करेंगे, 36 जो है वो हमने लेस लिखा है, 20 आइटम्स में वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 36 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 1.8। सो गाइस, हमारी जो न्यू एवरेज होगी वो 1.8 से बढ़ जाएगी। 47 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 48.8। सो दिस इज द करेक्ट एवरेज और करेक्ट मीन। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो गाइज, ये जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हमने कोई टर्म लिखी है वो रिवर्स हो गया, एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं।
हम गाइस जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथ वाज 50, एवरेज हमें दी गई है 28 स्टूडेंट्स की, किसमें एवरेज मार्क्स दिए गए 28 स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के मैथ में, इन मैथ मैथ्स 50। और बताया गया कि अगर 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते हैं, एवरेज 5 से इंक्रीज हो जाती है। इफ 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट दिस स्कूल, लेफ्ट स्कूल, देन द एवरेज इंक्रीज, एवरेज इज इंक्रीज by 5. What is the average marks obtained by students left the school? So guys, इसमें हमें बताना है कि जो 8 students जिन्होंने छोड़ा था स्कूल को, उनके मार्क्स की एवरेज क्या है। सो सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें, 28 स्टूडेंट्स दिए हैं हमें, 28 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज है 50। तो ये है गाइस 50 इज द एवरेज 28 स्टूडेंट्स की। अगर 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते हैं, मीन्स पीछे रह गए हमारे पास 20 स्टूडेंट्स। अगर 8 स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देते हैं, पीछे रह गए हमारे पास 20 स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। सो जो जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, उनका एवरेज मार्क्स कितने होंगे, उनके एवरेज मार्क्स कितने होंगे। अगर हम गाइस पहले अगर हम हमने जो हम अगर फार्मूला लगाएं, तो हमें यहाँ से पता लगता है अगर 28 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज थी 50, तो जो हमारे पास सम था वो पहले था हमारे पास 1400। अगर हम 28 और 50 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सम आता है 1400। अगर जब 8 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, तो हमारे पास सम कितना रह जाएगा, 20, और जो हमारी एवरेज है वो 5 से इंक्रीज होगी। हमारी एवरेज होगी 55, जो हमें दिया गया क्वेश्चन में, इंक्रीज बाय 5, तो हमारा जो सम है वो हो जाएगा 110। एवरेज इंक्रीज, बच्चे रह गए 20, सो हमारी जो आधी एवरेज सम आ गया 1100। अगर हम 1400 को 1100 सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास 300 आता है, 300 इज द डिफरेंस। सो जो डिफरेंस है 300, उसको अगर हम 8 से डिवाइड करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स चले गए हैं उनका ही तो ये सम है, तो हमारी जो एवरेज है वो 8 स्टूडेंट्स में अगर हम डिवाइड करें तो आएगी 37.5। सो गाइस जो स्टूडेंट्स चले गए थे, उनकी जो एवरेज है वो रह जाएगी 37.5। अगर गाइस किसी को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हम सभी को पता है कि जो एवरेज होती है वो बराबर होती है सम डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमने यहाँ निकाला सम, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले हमारी थी एवरेज 50 और बच्चे थे 28, तो ये आ गया 1400, 1400। अब रह गया हमारे पास बच्चे 20, एवरेज बढ़ गई अब 5 से 55, आ गया 1100। अब जो हमारे पास डिफरेंस है वही तो एवरेज होगी उन बच्चों की जो बच्चे चले गए हैं, सो 300 इज़ द डिफरेंस। तो ये सब में अगर 300 को हम
डिवाइड करें 8 में तो ये 8 बच्चों की एवरेज आ गई, क्योंकि एवरेज किसके बराबर होती है, सम डिवाइडेड बाय एन, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन, सो दिस इज 37.5 इज द आंसर, 37.5 इज द आंसर। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।